एक मामले में गोट सिगरौली राजकीय विद्यालय में खाप पंचायत बुलाकर विधि विरुद्ध तरीके से फैसला करने व एक परिवार को समाज से बहिष्कृत करने का मामला पंचायत द्वारा तुगलिकी फरमान सुनाने के बाद उस परिवार की ओर से रामस्वरूप मीणा द्वारा 28 पटेलों पर जरिए इस्तगासा स्थानीय थाने में मामला दर्ज कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार गांव गोट सिगरौली के 12 व नादोती तहसील के गांव बलदेवपुरा के 16 सरपंच पटेलों ने गांव के राजकीय विद्यालय में पंचायत कर रामस्वरूप मीणा के परिवार का पक्ष सुने बगैर ही सामूहिक निर्णय लेते हुए परिवार को जाति से बहिष्कृत कर अलग थलग कर भूखे मरने या गांव छोड़ने वाले फरमान सुनाए। विधि विरुद्ध तरीके से हुए उक्त पंचायत में सभी पंचों ने बिना परिवादी और उसके भाई की बातों पर विचार करते हुए परिवादी पक्ष पर अनर्गल आरोप लगाते हुए अपना निर्णय पारित किया गया। परिवादी पक्ष 1 करोड़ रुपये नकद आर्थिक दंड के रूप में जमा करवाए। यह राशि उसके द्वारा जमा नहीं कराई जाती है तो परिवादी व उसके समस्त कुटुंबियों या समाज में हुक्का पानी बंद रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना बंद रहेगा। किसी कुएं से पानी नहीं भर सकेंगे। गाँव में किसी सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो सकेंगे। किसी भी प्रकार द्वारा सामान आदि दिया गया तो वह दुकानदार भी 51,000 रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया जाएगा। किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गांव में किसी शादी विवाह आदि अवसरों पर गांव का कोई व्यक्ति इनको नहीं बुलाएगा तथा बुलाने पर उसे 51,000 रुपये के अर्थदंड के साथ दंडित करने व समाज से बहिष्कृत करने का निर्णय लिया गया। ग्राम कोर्ट के मजदूरों को पाबंद किया गया कि कोई भी मजदूर परिवार पक्ष के किसी सदस्य के खेत पर काम करेगा नहीं जाएगा। पंचायत द्वारा ये भी प्रस्ताव लिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पंचायत के निर्णय का सम्मान नहीं करेगा तो उस पर 51,000 रुपये का दंड लगाया जाएगा।